शाहपुर थाना इलाके के पलड़ी गांव में शनिवार की देर रात दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें कि शमशाद कुरैशी व यूनुस कुरैशी नाम के दो पक्षों के बीच बाइक निकालने को लेकर कहासुनी में मारपीट होने के बाद पथराव और गोलियां चली, जिसमें दोनों पक्षों के 6 लोग मामूली चोटें लगने से घायल हो गए। मामूली विवाद में चलाई गई गोलियां और पथराव की वीडियो इलाके के एक व्यक्ति ने अपने फोन में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लॉकडाउन में गांव में गोली चलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कई लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जाँच शुरू कर दी। 15 तारीख को थाना शाहपुर के गांव पलड़ी में दो पक्ष हैं, हाजी हफीज़ और शमशाद, के बीच में मामूली सी बात के ऊपर कहासुनी हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से एक एक लोगों को चोट आई। डॉक्टरी के लिए भेज दिया गया था कल ही, आज उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी। चोटों के आधार पर अभियोग पंजीकृत होगा और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? जी, मेरा नाम आरिफ है। आरिफ, कौन सा गांव है और क्या मामला है? जी, ये गांव पलड़ी है। मामला यह है सर जी, इसमें हमारे बच्ची जो है, हमारी भतीजी है भाई की लड़की, उसके टक्कर मारी पहले तो भाई। उसके पर टक्कर मारने के बाद हमने पूछा क्यों मारे, तो ऊपर से हमारे पे गाली दे के और फिर ऊपर से हमारे पे इंटे दले और गोलियों की बौछार कर दी। सर, किसने की है? किसने टक्कर मारी? गोली किसने? बिलाल है जी उसके लड़के का नाम, उसके बाप का नाम इदरीस है सर। कौन है बिलाल? बिलाल इनमें है जी, पिपल वालों में सर। पहले भी कोई रंजिश चुंगी था? जी, पहले भी रंजिश है, पहले भी इसी तरह के 10 साल पहले उन्होंने हमारे पे गोली बरसाई थी सर। और पहले दिन सात के मामले हैं जी। पुलिस मौके पर पहुंची थी? हाँ, पुलिस मौके पहुंची थी, पहले भी।